नमस्कार साथियों जय हिंद मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं सभी नौजवान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे दोस्तों राजस्थान सी समान पात्रता परीक्षा को लेकर आज अपनी क्लास होने वाली है जनरल साइंस की जिसमें हम टॉप पचास प्रश्न कवर करेंगे तो सभी साथी एक बार क्लास में लाइव जुड़ जाए दोस्तों पहला सवाल आपके सामने है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है वसा में गुलनशील और जल में गुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं यह एग्जाम में सवाल कई बार पूछा जा चुका है तो वसा में गुलनशील विटामिन है विटामिन ए और डी विटामिन ए और डी बाकी जितने भी विटामिन है वो जल में गुलंदशील होते हैं तो सी आंसर जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट होगा सेकेंड सवाल है कि विटामिन के वन का वैज्ञानिक नाम क्या है विटामिन के वन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है टोकोफेरोल टोकोफेरोविनोन एस्कोर्बिक अम्ल पेटोनेथिक अमल तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपने यदि आंसर बी का चुनाव किया है फाइलो के विनोन तो बिल्कुल आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट निम्न में से कौन पोलीसेकेराइड के उदाहरण है तो पोली के उदाहरण कौन कौन से हैं ग्लाइकोजन और स्टार्च ग्लाइकोजन और स्टार्च पोलीसेकेराइड के उदाहरण है यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका चुनाव सही होगा दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें अगला सवाल है कि दालें किसका अच्छा उदाहरण है वसा प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट दोस्तों दाल दाल से हमें क्या मिलता है प्रोटीन मिलता है सर्वाधिक क्या मिलता है प्रोटीन यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा अगला सवाल है कि सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है डाईहाइड्रोक्सी एसिटोन ग्लूकोज ग्लेसिर और इनमें से कोई नहीं तो सबसे जो सरल कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों वो होता है खमीर किसका उदाहरण है दोस्तों यीस्ट या सेवाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा खमीर है ये कवक है क्या है कवक यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा होती है फरेक्टोज ग्लूकोज सुक्रोज या माल्टोज सबसे जो मीठी शर्करा होती है दोस्तों वो आपकी होती है फ्रेक्टोज यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है फ्रेक्टोज तो बिल्कुल आपका आंसर यहां पर राइट होगा अगला सवाल है कि ब्रेड अनाज और पास्ता समूह का एक अच्छा स्रोत है विटामिन सी कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट या वसा यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा ब्रेड अनाज और पास्ता से हमें क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट सी आंसर अपना राइट हो जाएगा रक्त में ग्लुकोज का स्तर सामान्य बनाए रखने में भूमिका निभाने वाला हार्मोन कौन सा है ग्लूकागोन टी एस एच नर एड्रीन टेस्टोस्ट्रोन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यदि आपने आंसर एज सुना है ग्लूकागोन तो बिल्कुल आपका आंसर यहां पर राइट right हो जाएगा दोस्तों अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा टाट्रिक अमल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है टमाटर सिरका इमली या संतरा यदि आपने आंसर सी चुना है इमली तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इमली के अंदर कौन सा अमल होता है टार्ट्रिक अमल होता है सी आंसर अपना राइट हो जाएगा अगला सवाल है कि कम तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं कम तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल क्या है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रासायनिक परिवर्तन कौन सा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन होता है बी आंसर यदि आपने चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा टमाटर किस अमल का प्राकृतिक स्रोत है एसिडिटिक अमल साइट्रिक एसिड टार्ट्रिक एसिड या ऑक्सेलिक एसिड टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अमल यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा अगला सवाल देखते हैं मानव पोषण के लिए टमाटर बहुलक स्रोत है मैथेनोलिक अमल का साइट्रिक अमल ओक्सैलिक अमल या एसिटिक अमल यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है ओक्जेलिक अमल का तो बिल्कुल अपना आंसर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा किस विटामिन की कमी से रथौंदी रोग होता है बी विटामिन के विटामिन ए या विटामिन डी की कमी से तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रथोधी या रात्रि अंतर रोग होता है सी आंसर आपका राइट हो जाएगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्कों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है कौन सा आहार करता है फल सब्जियां पनीर या मिठाइयाँ यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है पनीर तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है विटामिन वसा कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन में सर्वाधिक कैलोरी की मात्रा किसमें सर्वाधिक होती है भोजन में तो सबसे ज्यादा होती है दोस्तों वसा में किस में होती है वसा में बी आंसर अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है विटामिन सी विटामिन डी विटामिन ई या विटामिन के करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विटामिन के यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है तो आपका राइट होगा यदि आपके शरीर में विटामिन के की यदि कमी है तो आपके कहीं यदि चोट लगेगी तो उसके बाद में खून का थक्का बिल्कुल आपके धीरे बनेगा इसके अलावा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है दोस्तों कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग होता है तो ये जो महत्वपूर्ण रोग है ये आपको पता होना जरूरी है प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन को जैविक मान सर्वाधिक होता है सोयाबीन अंडा मांस या मछली तो राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन में क्या होता है प्रोटीन होता है ए आंसर अपना क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा कैंसर रोग के उपचार में किस समस्तानी का उपयोग किया जाता है सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया सवाल कोबाल्ट सोडियम आयरन या इनमें से कोई नहीं तो कैंसर रोग के उपचार में कौन से समस्तानी का प्रयोग करते हैं तो कोबाल्ट का करते हैं किसका करते हैं कोबाल्ट का ए आंसर अपना राइट हो जाएगा नेक्स्ट अगला है कि एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन जल में गुलनशील है ए डी ई या सी तो राइट आंसर हो जाएगा सी कौन सा विटामिन है सी है डी आंसर अपना क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित करता है विटामिन ए कहां संचित होता है यकृत आमाशीय तिल्ली या उदर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यकृत क्या हो जाएगा यकृत ए आंसर अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा चर्बी युक्त विटामिन कौन सा है शी था ई या राइबो चर्बी युक्त विटामिन कौन सा है तो राइबो डी आंसर अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा दोस्तों दूध में वसा तत्वों की मात्रा कम हो जाती है सर्दी में गर्मी में वर्षा में या इनमें से कोई नहीं दूध में जो वसा तत्व होते हैं इनकी मात्रा गर्मी में क्या हो जाती है कम हो जाती है यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका चुनाव यहाँ पर राइट होगा अगला सवाल है कि प्रोटीन में आमतौर पर मिलने वाले एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है प्रोटीन में आमतौर पर मिलने वाले एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है तो इसमें एमिनो अम्लों की संख्या होती है बीस कितनी होती है बीस सी आंसर अपना राइट हो जाएगा दूध का सफेद रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है लेक्टोज एल्बोमिन कैरोटीन या केसिन दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है केसिन के कारण होता है डी आंसर अपना क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फंक ने निम्न में से किसका आविष्कार किया विटामिन का हार्मोन का प्रोटीन का या एंजाइम का तो फंक ने किसका आविष्कार किया था विटामिन का किया था किसका आविष्कार किया दोस्तों विटामिन का ए आंसर अपना राइट right है पास्तु पास्तुरीकरण किससे संबंधित है पास्तुरीकरण दूध के निर्जलीकरण से दूध के निर्जलीकरण दूध के किणवन या दूध के आसवन ये दोनों वर्ड अलग अलग है एक निर्जलीकरण एक निर्जलीकरण है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ट्वेंटी सेवन दूध के निर्जलीकरण से है ए आंसर अपना क्या हो जाएगा राइट right हो जाएगा विटामिन डी में निम्न में से कौन सा पाया जाता है विटामिन जो डी होता है उसमें कौन सा अमल होता है एसकोरबिक अमल केल्सी फेरोल फोलिक अमल या रेटिनोल तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों केल्सी फेरोल यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका चुनाव राइट होगा अगला सवाल है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है ए बी ई या के पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है तो विटामिन आपका बी हो जाएगा कौन सा है विटामिन बी किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म ब्रायोफाइट या एंजियोस्पर्म किस वर्ग के पौधों को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा किसको कहते हैं ब्रायोफाइटा रवि की फसल का उदाहरण है गेहूं मूंगफली मक्का या सोयाबीन तो रबी की फसल का उदाहरण क्या है गेहूं ए आंसर अपना क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड फ्लोरोफिल कलोरोफिल या ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती किसकी नहीं होती दोस्तों ऑक्सीजन डी आंसर अपना राइट right हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्लोरोफिल की क्या होती है आवश्यकता रहती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं कवकों की कोशिका का भित्ति किससे निर्मित होती है सेल्यूलोज सिलिका, काइटिन या पेक्टिन कवकों की जो कोसी का होती है वो किससे निर्मित होती है तो ये आपकी काइटीन की बनी होती है किसकी बनी होती है काइटिन सी आंसर अपना राइट हो जाएगा अगला है कि क्यूटिकल किसमें नहीं पाई जाती तना मूल या फल तो राइट आंसर हो जाएगा मूल यानी कि जड़ अगला सवाल है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया चार्ल्स डार्विन लेमार्क विजमेन या वाल्स प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने किसने दिया चार्ल्स डार्विन ने ए आंसर अपना राइट हो जाएगा मसालू का राजा किसे कहा जाता है काली मिर्च केसर पहाड़ी मिर्च या लौंग मसालों का राजा किसे कहा जा जाता है काली मिर्च को कहते है? हैं किसको कहते हैं दोस्तों काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है बाजरे का वनस्पति नाम बताइए बाजरे का वनस्पति नाम क्या होता है दोस्तों जिस भी विद्यार्थी को आ रहा है जो भी विद्यार्थी सी आंसर बता रहे हैं पेनिशिटम, टाइफाइड तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा अगला है कि कड़कनाथ एक किस्म है सांड की बकरे की भैंसे की या मुर्गे की तो कड़कनाथ क्या है दोस्तों मुर्गा है किसकी किस्म है नस्ल है मुर्गे की डी आंसर अपना राइट हो जाएगा अगला सवाल है कि मशरूम क्या है कवक है जीवाणु है पादप है प्राणी है मशरूम क्या है तो मशरूम है आपका कवक क्या है दोस्तों कवक है ए आंसर अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा चौबीस घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ने तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं नहीं कार्बन डाइऑक्साइड यह समय होता है मध्य का दिवस प्रकाश इनमें से कोई नहीं या संध्या देखो जिस समय आप सभी को पता है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन गैस को पौधे छोड़ते हैं और शियोटू यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं तो यह एक ऐसा समय होता है जिसमें ना तो छोड़ते हैं और नहीं लेते तो यह समय होता है दोस्तों संध्या प्रकाश का कौन सा समय है संध्या प्रकाश डी आंसर अपना राइट हो जाएगा अगला है कि पीसी कल्चर किस का पालन और उत्पादन है पक्षियों का मछलियों का ऊन ऊन देने वाले जानवरों का या कीटों का पीसी कल्चर किसका है दोस्तों मछलियों का बी आंसर अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला सवाल है कि रेशम से प्राप्त किया जाता है तितली रेशम कीट इल्ली या मधुमक्खी रेशम किसे प्राप्त किया जाता है कमेंट करें एक बार बिल्कुल सभी विद्यार्थी एक बार नीचे कमेंट कर दे भाई नीचे कमेंट बॉक्स में रेशम किसे प्राप्त किया जाता है रेशम कीट से यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है रेशम कीट तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा अगला सवाल है कि किस जीव को किसान का सच्चा मित्र और साहिक कहा जाता है कॉकरोच केंचुआ मधुमक्खी या मक्खी किसान का सच्चा मित्र और साहिक कहा जाता है किस जीव को कहा जाता है यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है केंचुआ तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा पौधे की बीमारी साइट्रस कैंकर किसके कारण होती है वायरस कवक जीवाणु अंबिबा पौधों में जो बीमारी होती है साइट्रस कैंकर यह किसके कारण होती है जीवाणु के कारण होती है यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका राइट होगा कौन सा पौधा परजीवी और मर्तजीवी है टमाटर मशरूम अफीम या गोभी कौन सा पौधा परजीवी और मर्तजीवी होता है तो यह आपका मशरूम कौन सा है मशरूम बी आंसर आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला सवाल है कि बायोडीजल के लिए किन पौधों की खेती की जा रही है रतनजोत सोनामुखी गंवारपाटा या सफेद मूसली दोस्तों बायोडीजल के लिए किसकी खेती की जा रही है रतनजोत की किसकी करते हैं रतनजोत की मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है छः टांगे आठ टांगे दस टांगे या बारह टांगे मकड़ी के कितनी टांगे होती है कमेंट करें जिसको भी आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है आठ टांगे तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा रेशम बना होता है किरेटिन प्रोटीन से कोलेजन प्रोटीन इलास्टिन प्रोटीन या फिब्रोइन प्रोटीन से रेशम किसका बना हुआ होता है यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है फिब्रोइन प्रोटीन का तो डी आंसर अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा गाय के धनु से दूध उतारने वाला हार्मोन कौन सा है सोमेटोटोफिन ऑक्सीटोसिन इंटरफेरान या इंसुलिन गाय के थनु से दूध उतारने वाला हार्मोन कौन सा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन है कौन सा है ऑक्सीटोसिन यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर राइट होगा पक्षी जो उड़ नहीं सकता मुर्गी शत्र कोवा या चील कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता दोस्तों तो वो पक्षी है शुतर्मुर्ग कौन सा है पक्षी वर्ग का होने के बाद भी उड़ नहीं सकता है भी आंसर अपना राइट होगा आज की क्लास में हमने जनरल साइंस के टॉप पचास सवाल कवर किए आपके कितने सवाल राइट हुए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं हमारी क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें धन्यवाद साथियों जय हिंद